दर्शकों, आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से मैं हूं नईम नांगरेकर और आज हम आए हुए यहाँ पे नागपाड़ा जंक्शन पे, जहाँ पे हमारे साथ है फातिमा अंसारी, जैबा अंसारी और बानू अंसारी। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसा मसला हुआ है कि इनका सामने वाले के साथ में झगड़ा लफड़ा हुआ है, जिनका नाम ये कुछ बता रहे मैमुना अंसारी, और इस बात को लेकर इनकी कुछ बहसबाजी हुई, कुछ हुआ है हाथापाई हुई। इनका कहना है कि ये जो जैबा अंसारी है ये ऑलरेडी 8 महीना प्रेग्नेंट है और इनके ऊपर हमला वगैरह किया गया, अटैक किया है मैमुना अंसारी के थ्रू। तो इनसे जानेंगे कि असल मुद्दा क्या था जिसके वजह से ये सब बातें बढ़ी है। देखिए, हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं था, उसने हम लोग को है ना बुलाई और बोले कि तुम लोग ने झगड़ा लगाए हो, और जब है ना हम लोग ने सामना किया उसको, इससे यानी सामना करने के लिए हम लोग जब इसके पास गए तो इसको है ना इतनी बुरी तरह मारी और चप्पल उतार के मारने लगी, तो ये पेट के बल गिरती। इससे पहले मैं इसको पकड़ी, सहारा दी, मैं आम जनता के हिसाब से उसे पकड़ के बचाया तो मुझे भी मारा उसने। ये एनजीओ वाले लोग का कार्ड दिखा के क्या गुंडागिरी करने निकले हो? हाँ, ऐसी ऐसी औरतों को मारते हो जो प्रेग्नेंट है? हाँ, एनजीओ वाला ये सब करने निकले है? और हम इतने, जब मैंने उसे बचाने की कोशिश किया तो हमें मारा इतनी बुरी तरह कि शर्म मना के, हम लोग भी इज्जतदार लोग है। हाँ, इसको इसकी हालत देखिए पहले आप, अगर ये पेट के बल गिर जाती और इसका बच्चा मिस कैरेज होता तो कौन जिम्मेदारी लेता? मगर ये जो झगड़ा लफड़ा हुआ, ये जो हाथापाई हुई, जो तुतुमाई हुई या बहस हुई, ये इसका ये किस वजह से बड़ी और किस वजह से हाथापाई हुई? इन्होंने एग्जाम लगाए थे कि है ना मैं ना जो भी बात होती है तो दूसरे को बताती हूँ, और सर मैं बिजी रहती हूँ जी, मेरे खुद के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं रात को 12:30 बजे तक घर जाती हूँ। सर, ये लोग झूठ बोल के ना मैमुना सबको फंसाती है, और अभी इसने मुझे मारा ना, मैं इतनी गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं मजलूम को बचाने के चक्कर में आम जनता को ऐसे मारते हैं, तो भाई इनका कार्ड छीना जाए और इन्हें कोई सोशल वर्कर में ना ले तो अच्छा है। और आफ्टर वो 2 शादी भी कर चुकी है और सर उसकी शादी टूट चुकी है, तो जब इनका बैकग्राउंड कोई जान के इनको कार्ड क्यों नहीं सब यानी देने का? मेरे को भी है ना कार्ड का एनजीओ का लालच देके अपने साथ काम पे रखी, और जब मैंने सब फॉर्म वगैरह भर दी ना, मेरा 4,000 रुपये का लिए बोली थी, मैंने 1,000 रुपया भी देने खड़ी हुई, और जिस दिन 5 बजे मैं दी कार्ड बनाने के लिए, 6 बजे कौन सा ऐसा है एनजीओ जो आधे घंटे में रिजल्ट देता, ये बोलता कि एनजीओ कार्ड रद्द हो गया उसका। हाँ, इतने सड़े लोग को एनजीओ कार्ड मिलता है जो 10वीं लिखना पढ़ना नहीं आता है, और जो ये गुंडा बन के पैसा वसूलती है, धमकी पट्टी देती है हम लोग को, हम लोग कहाँ जाए? और आधे घंटे में हम लोग का आगरीपाड़ा पे ले लिए, नागपाड़ा पे पहले वो आई, उसका कोई केस नहीं, उसका पहले केस ले लिया, हम लोग को अभी तक बैठा के रखे आपके ही इलाके में। काला पानी, और काला पानी कौन सा वो शमीम भाई के, शमीम पैलेस के आगे हुआ, उसी झगड़ा जो हुआ है वो आपके साथ हुआ है? अच्छा, एक्चुअली मैं सो रही थी घर में जी, मेरे को फोन आया कि तू मेरे भाई को रात में फोन करी कि तू मेरे से मिली, मेरे भाई से मिली, बोली मैं तो तुम्हारे भाई से नहीं मिली, मैं तुम्हारे भाई से क्यों मिलूंगी? हाँ। बोले तेरा आदमी मेरे भाई को नशा कराता है, मेरे भाई के साथ नशा करता है, तो बोले मैं तेरे आदमी की कम्प्लेन कर दूंगी, उसने मेरे को ऐसा बोली। तो हकीकत में कुछ ऐसा है क्या, आदमी कुछ नशा कराता है या देता है या कुछ होता है? तो फिर ये तमाम इल्जाम किस वजह से लगे? पता नहीं वो क्यों इल्जाम लगा, तो मैं बोली देखो जो करने का तू कर ले, तो घर के पास आके खड़े रह के इसने क्या करी, मेरे को 5-6 लाफड़ मारे, और जितने भी सब खड़े थे सब खड़े रहकर तमाशा देखते थे, किसी ने भी आगे आके कोई मदद नहीं किया, उल्टा क्या बोलते इसको कितना मार के चले गई है। अच्छा, तो आपने मतलब बताया नहीं उसको कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ या मेरे साथ भाई मत कर? उसको मालूम है, बोले हाँ तो प्रेग्नेंट है तो क्या करने का है, बोले मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेन चीजें जो हुई है ये आपके आदमी के नाम से हुई है कि नशा कराता है? हाँ। या कुछ ऐसा, तो मतलब इन चीजों का उसके कुछ उसके पास कुछ ऐसा प्रूफ या कुछ जो चीजें आपको इल्जाम लगा रही थी? उसका आदमी कुछ सर, उसका आदमी जो है वो मेरे साथ स्कूल पढ़ा हुआ है, और मेरा बच्चा उसके सामने, मेरा बच्चा है उसके, जो लड़का है मेरा आयात उसके सामने ही पैदा हुआ है, मतलब वो मामू लगता है एक रिश्ते से। अच्छा। तो मेरा बच्चा उसको कैसे नशा कराएगा जबकि वो खुद उतनी उम्र में बड़ा है? तो ये मेरे बच्चों को ले जाके दरगाह का नाम बोल के इधर उधर ले जाके अपना पैसा खर्चा नहीं करना और बच्चों का पैसा खर्चा करवाना, रात बेरात पूरी रात लेके घूमना, फालतू चीजें उसको सिखाना। हाँ, मैं गांजे का धंधा करती थी, मेरा गांजे का धंधा था, तो मैं एक आम नागरिक के ऐसा मैंने अपना धंधा पानी छोड़ दिया, अब मैं एक शराफत की जिंदगी गुजार रही हूँ, मालिश का काम कर रही हूँ, तो क्या मैं जी नहीं सकती? यानी मेरे धंधे की आड़ से नाम लेके इसने मेरी बहू को रोड पे मारी, 8 महीने की पेट से वो बच्ची, अगर उसका बच्चा मर जाता या कुछ हो जाता तो इसके लिए हम लोग किसको बोलेंगे?
वहाँ पे सर बोलने लगे हाँ तुम बैठो वो ऐसा टाइम पास करते। उन्होंने हम लोग की कम्प्लेंट नहीं ली। क्या बोले आप? बोले अभी जाओ अभी मैडम आएगी ऐसा करके उन्होंने 3.5 घंटा निकाल दी। तो कितने बजे से बैठे थे आप नागपाड़ा पुलिस? हम लोग 5:30 बजे से। और कितने बजे तक बैठे थे अभी? यानी समझो ये 7:30-8 बज रहा है अभी तक बैठे थे हम लोग। तो आपकी कम्प्लेंट लिए? कम्प्लेंट नहीं ली। मैं सीनियर के ऑफिस में भी जा रही थी, उन लोग ने मेरा हाथ पकड़ के लेकर आए, बोले अभी हम लोग कम्प्लेंट लेते, ऐसा बोल के मेरे को बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने कम्प्लेंट नहीं ली। मतलब ऐसे लोगों का काय के लिए एंजॉय का कार्ड देते हो? हाँ, ये सब ऐसे लोग आम नागरिक को, इससे पहले भी 2-3 औरतों को मार चुकी है। ये अपना कार्ड दिखा के लोगों से प्रोडक्शन मनी हफ्ता वसूली का काम करती है और उनको डराती धमकाती है कि मेरे पास कार्ड है, मैं किसको भी मार सकती हूँ, मैं किसी को भी जेल में सड़ा सकती हूँ। मेरी नागपाड़ा चौकी पे बहुत पहचान है, मीडिया में मेरी बहुत पहचान है, मैं लोगों को बदनाम कर सकती हूँ। ये औरत मेरे को एनजीओ का कार्ड दिखा कर ब्लैकमेल करती है और बोलती है तुझको अंदर कर दूंगी और नागपाड़ा चौकी में तो सड़ा दूंगी। मेरा बैकग्राउंड निकाल के मेरे पीछे पड़ी हुई है और यही मसले की वजह से ये मेरी बहू को रोड पे पकड़ के मारी और इसने नागपाड़ा सेक्शन में रह के आगरीपाड़ा सेक्शन में जाके धामली करके शमीम अपार्टमेंट के पास, इसने मेरी बहू 8 महीने की प्रेग्नेंट है उसको इसने 5 लाफा मारी और जो बचाने गई थी फातिमा अंसारी इसने उसको भी मारी। हम लोग ने नागपाड़ा चौकी में कम्प्लेंट करने के लिए आया, उससे पहले वो जाकर बैठी हुई थी और ऑफिसर ने मेरी कम्प्लेंट नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आम जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तो वो सही है कि गलत? हाँ, मुझे ये जीने नहीं दे रही, बड़ी बड़ी पार्टी का मेरे को टेंशन देती रहती कि मैं पार्टी में हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सीनियर से पहचाने मेरी, कमिश्नर से पहचाने, मैं ये करवा दूँगी, मैं वो करवा दूँगी, मेरे को धमकियाँ देती रहती है। ये मैमुना जो है मेरी बहू है जो प्रेगनेंट उसको मार दिया। हाँ, एंजॉय का कार्ड लेकर ये सबको डराते रहती है कि मैं भी पार्टी में हूँ और ये पार्टी की वजह से मैं तुम लोग को अंदर सड़ा दूँगी, ये चीज़ वो बोलते रहे। तो ये हमारे साथ की बानू अंसारी, जैबा अंसारी और फातिमा अंसारी, जिनका कहना है कि उनके साथ में हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उसके बावजूद भी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना उनकी कंप्लेंट लिया, ना कुछ। मैं हूँ नईम गांगरेकर, आज़ाद इंडिया न्यूज़ से नागपाड़ा, मुंबई। थैंक यू सो मच।